हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सहनशीलता के मूर्त कह जाने वाली एक ऐसे लेडी के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने ही शरीर पर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर डाली जिसके द्वारे यह दिख जाए कि किसी असहाय पर कोई भी नॉर्मल मनुष्य किस हद तक गिर सकता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ सर्बियन परफॉर्मेंस आर्टिस्ट मरीना एब्रामोविच के बारे में। कहा जाता है कि लोग जितनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं उतना ही मजबूत हो जाते हैं। यही हुआ था मरीना एब्रामोविच के साथ। उनकी माँ उनको बचपन से ही इतना टॉर्चर करती थी कि वो उतना ही मानसिक रूप से स्ट्रांग हो गई थी। वो अपने लाइव परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। लोगों की मानसिकता की हद को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने 1974 में रिदम जीरो नाम से एक लाइव परफॉर्मेंस किए जिसमें वो 6 घंटे तक एक स्टैचू बनकर खड़ी रही। उनके जिस्म में एक टैग लगाया गया था जिसमें लिखा था कि सामने रखे टेबल के 72 चीजों से कोई भी उनके ऊपर कुछ भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस दौरान मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी में खुद होंगी। ये एक्सपेरिमेंट ऑडियंस के सामने हुई और वो ये एक्सपेरिमेंट लोगों की मानसिकता जानने के लिए की थी। इस दौरान सबसे पहले फोटोग्राफर्स आए और उन्होंने जैसे चाहा वैसे फोटोज क्लिक किए। फिर धीरे धीरे तरह तरह और भी लोग आते गए। कुछ ने उन्हें रस्सी से बांध दिए तो कुछ ने उनके शरीर में ब्लेड से काटा, कुछ ने कांटे भी चुबाए। इतना ही नहीं, धीरे धीरे लोगों ने उनके कपड़े उतार डाला और जगह जगह पर छुआ। मरीना इन 6 घंटों के दौरान सारे कष्ट झेली और आह तक नहीं किए। 6 घंटे के बाद मरीना उन लोगों के पास पहुंची जिन्होंने उनके साथ ऐसे हरकतें की थी, पर वो लोग मरीना से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तो ये था मरीना अब्रामोविच के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।